वेलकम स्टूडेंट, मैं हूँ टांडे सर। टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डियर फ्रेंड नमस्कार, प्रिय साथियों, टांडे सर टेक्निकल में आपका फिर से स्वागत है। एक बार फिर शानदार, जानदार और दमदार भर्ती आईटीआई वाले बच्चों के लिए आ चुकी है। और कौन सी है ये वैकेंसी और कितने पद, इस पर बात करेंगे हम। और प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि ये जो वैकेंसीज है ये आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये जो वैकेंसीज है ये अंतरिक्ष विभाग, जिसे डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, जिसे इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर एंड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। तो आईटीआई वाले जो स्टूडेंट हैं, जिसे आप नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद के द्वारा ये वैकेंसी जारी की गई है। तो स्पेशली इसरो के द्वारा ये जो वैकेंसी है ये वैकेंसी जारी की गई है, जिसे आप भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इंडियन स्पेस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। और ये जो वैकेंसी है स्पेशली फॉर बाला नगर हैदराबाद से ये वैकेंसी जारी की गई है। इस वैकेंसी की बात जब हम करते हैं डियर फ्रेंड, तो इसमें साथियों आईटीआई वाले जो स्टूडेंट हैं, जिन्होंने आईटीआई कंप्लीट कर लिया है, उनके लिए ये बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है। यदि इसरो में यदि आपको जॉब करना है, तो यदि देखें तो राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र, जिसे आप भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और अंतरिक्ष विभाग के घटक केंद्रों में से एक है, जिसे आप राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र मतलब नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के नाम से जानते हैं। तो ये एक प्रकार की इसरो की एक शाखा ही है, जो उपग्रह का डेटा अधिग्रहण करता है, अभिलेखी करता है, संसाधन में, प्रसार में, सुदूर संवेदन अनुप्रयोग में, प्रशिक्षण में और क्षमता निर्माण के माध्यम से सुदूर संवेदन कार्यक्रम के भूखंड के लिए रिस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेदार होता है। इसके 5 क्षेत्रीय केंद्र हैं, जिसमें से एक सेंटर है बेंगलुरु का, दूसरा है नागपुर का, तीसरा है कोलकाता का, चौथा है जोधपुर का और पांचवा नई दिल्ली में स्थित है, जो क्षेत्र विशिष्ट सुदूर संवेदन अनुप्रयोग और जरूरतों को पूरा करने के लिए उपयोग किया जाता है। साधनगर स्थित जो भू केंद्र, जो सुदूर संवेदन गतिविधियों की पूरी श्रृंखला के संचालन के लिए एक पूर्ण केंद्र के रूप में इसे विकसित किया गया है, और यहां से स्पेशली फॉर नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर को स्थापित किया गया है। चलिए बात करते हैं कि इस इसरो के द्वारा जो वैकेंसी जारी की गई है वो किस किस पोस्ट के लिए जारी की गई है। चलिए फर्स्ट में देखते हैं, तो ये जो है विज्ञापन एनआरएससी विज्ञापन क्रमांक NRSC RMT 4/2023 और दिनांक यहां पर दिया है जो 9/12/2023 के द्वारा निम्नलिखित पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, और ये स्पेशली फॉर आईटीआई पास स्टूडेंट के लिए वैकेंसी जारी की गई है। चलिए यदि पोस्ट कोड की बात करें, तो पोस्ट कोड 1 में पद का नाम है, नेम ऑफ द पोस्ट, टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक मतलब टेक्नीशियन बी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, और ये स्पेशली फॉर ये जो पोस्ट है इसके लिए योग्यता आईटीआई पास रखा गया है। पदों की संख्या देखें, नंबर ऑफ पोस्ट, तो इसमें 32 पोस्ट है। इसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज यदि देखें तो अनारक्षित यूआर की 16 पोस्ट है, ओबीसी की यहां पर 10 पोस्ट है, एससी की 3 पोस्ट है, एसटी की 1 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस की 2 पोस्ट है। तो इस तरीके से टोटल यहां पर जब कैलकुलेट करते हैं तो टोटल हो जाती है 32 पोस्ट। और इसके लिए आवश्यक योग्यता एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो रिक्वायरमेंट्स हैं ये रखा गया है, या तो एसएससी, ठीक है, एसएससी मतलब 10th पास होना चाहिए, 10th पास प्लस इसके साथ में आईटीआई रिलेवेंट ट्रेड से पास होना चाहिए। तो जिस ट्रेड से यहां पर पूछा गया है, जैसे कि आप देखेंगे कि एसएससी 10th पास बोला है, उसके बाद एनसीवीटी से इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड से आईटीआई पास उत्तीर्ण होना जरूरी है। तो यहां पर साफ लिखा है एनसीवीटी से आपका आईटीआई पास होना चाहिए,
यहां पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक तो 10th पास, उसके बाद एनसीवीटी से आईटीआई पास, और आपकी जो आईटीआई है कंप्लीट वो एनसीवीटी होना चाहिए, ठीक है। एससीवीटी वाले इस फॉर्म को नहीं भरेंगे, यहां पर साफ बोला गया है एनसीवीटी वाले स्टूडेंट ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो प्री विद्यार्थियों, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एनसीवीटी से जिन्होंने आईटीआई पास किया है और वो भी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड से, तो प्री विद्यार्थियों सिर्फ आपको ही फॉर्म भरना है, एनसीवीटी वाले स्टूडेंट ही फॉर्म भरेंगे, एससीवीटी वाले स्टूडेंट इस फॉर्म को नहीं भरेंगे, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट इसमें देखेंगे, पद कोड है इसमें 2 और इसमें तकनीशियन बी, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन बी, यहां साफ लिखा हुआ है इलेक्ट्रिशियन टेक्नीशियन बी, और इसमें टोटल पोस्ट यहां पर दिया हुआ है 8 पोस्ट, जिसमें से यूआर की 4 पोस्ट है, ठीक है, यूआर की इसमें 4 पोस्ट है। सेकंड में दिया है ओबीसी, ओबीसी की 2 पोस्ट है, एससी की 1 पोस्ट है, एसटी की कोई पोस्ट नहीं है, नो पोस्ट मतलब 0 पोस्ट है, और ईडब्ल्यूएस की 1 पोस्ट है। तो इसमें ऐसा टोटल जब कैलकुलेशन करते हैं, इस लाइन को यदि यहां से सीधा सीधा खींच दिया जाए, तो ऐसे यहां पर स्पेशली फॉर इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वाले, जिसका जिन्होंने आईटीआई पास किया है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से, ठीक है, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड को ही इलेक्ट्रिकल के रूप में जाना जाता है, तो इसमें जो 2 पद है वो भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित किया गया है, और इसमें भी योग्यता वही होना चाहिए, 10th पास प्लस एनसीवीटी से आईटीआई पास, तो एनसीवीटी से आईटीआई पास होना चाहिए, और आईटीआई में भी जो ट्रेड होगा आपका इलेक्ट्रिशियन ट्रेड होगा। नेक्स्ट देखेंगे, सभी ट्रेड वाले स्टूडेंट के लिए वैकेंसी जारी की गई है इसरो के द्वारा, ये जो पोस्ट है ये इसरो के द्वारा वैकेंसी जारी की गई है। टेक्नीशियन बी उपकरण मैकेनिक, जिसे कहा जाता है इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, और इसमें भी टोटल जो पोस्ट है, टोटल पोस्ट 9, जिसमें से यूआर की पोस्ट 5 है, ओबीसी की यहां देखेंगे तो 2 पोस्ट है, एसटी की, एससी की देखेंगे तो 1 पोस्ट है, एसटी की 0 है, और ईडब्ल्यूएस की 1 पोस्ट है। तो इसमें 2 पद जो है भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व किया गया है। इसके लिए भी डियर फ्रेंड, यहां पर यदि हम देखें तो आपके पास 10th पास प्लस आईटीआई रिलेवेंट ट्रेड से एनसीवीटी से पास होना चाहिए। अब देखेंगे पोस्ट कोड 4, और इसमें भी टेक्नीशियन बी, तो टेक्नीशियन बी में फोटोग्राफी ट्रेड से जिन्होंने आईटीआई पास किया है, जिनके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट रखा हुआ है फोटोग्राफी ट्रेड से, टोटल पोस्ट यहां पर डिसाइड किया गया है 2, जिसमें से 1 पोस्ट देखेंगे तो यूआर कैटेगरी के लिए है, ठीक है, ओबीसी के लिए 0 है, एससी के लिए 1 पोस्ट है, और एसटी के लिए 0 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 0 पोस्ट है। इसके लिए भी 10th पास होना चाहिए, यहां पर साफ लिखा है एसएससी मतलब 10th पास होना चाहिए, और फोटोग्राफी या फोटोग्राफी ट्रेड से एनसीवीटी से आईटीआई पास होना चाहिए, ठीक है, आईटीआई पास होना चाहिए वो भी फोटोग्राफी ट्रेड से, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं टेक्नीशियन बी, और टेक्नीशियन बी में इसका जो ट्रेड है, इस ट्रेड से यहां पर ट्रेड दिया है डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर, मतलब कि डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर डीपीओ, ठीक है, डीपीओ। इसमें भी इस ट्रेड से जिसका आईटीआई कंप्लीट है वो इस फॉर्म को भरेंगे, और इसमें पोस्ट जो है टेक्नीशियन बी में, इसमें 2 पोस्ट है टोटल, जिसमें यूआर की 1 पोस्ट है और एसटी की 1 पोस्ट है, तो टोटल यहां पर देखेंगे तो 2 पोस्ट डिसाइड किया गया है, डिक्लेयर किया गया है। इसके लिए भी जो क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन के रूप में डियर फ्रेंड, इसमें प्रिय विद्यार्थियों आईटीआई पास वो भी 10th के साथ, 10th प्लस आईटीआई पास आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, और आईटीआई भी आपके पास किससे होना चाहिए,
डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर ट्रेड से, मतलब कि कोपा से आपके पास है तो फॉर्म आप भर सकते हैं। इसका जो विस्तृत विज्ञापन है और ऑनलाइन आवेदन के लिए कृपया आपको क्या करना होगा, इसके साइड में जाकर देखना होगा https://www.nrsc.gov.in पर जाके आपको इसकी जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो प्राप्त हो जाएगी। इसमें याद रखने के लिए महत्वपूर्ण जो डेट्स हैं, इन डेट्स को आपके सामने हम प्रस्तुत करते हैं। ऑनलाइन पंजीकरण मतलब ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो है स्टार्टिंग जो डेट है, ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की ये है 9/12/2023 से स्टार्ट हो जाएगा। और ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि मतलब क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट हो जाएगी 31/12/2023 को, ठीक है। तो ये जो वैकेंसी की जो डेट है इसके पहले आप फॉर्म को भर दें, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में मतलब ये कहना चाहिए कि एग्जाम में आप इस फॉर्म को जब भरेंगे तो एग्जाम देने मिलेगा आपको, एग्जाम देने के बाद ही आपका सिलेक्शन होगा। और एग्जाम में जब भी इसरो के क्वेश्चन आते हैं, तो हमने अभी एक सीरीज स्टार्ट किया है PGCIL ITI वाले स्टूडेंट के लिए, आप वहां से इन एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड, ये थी महत्वपूर्ण सूचना प्रिय विद्यार्थियों के लिए, जो ITI के लिए जो वैकेंसी, शानदार वैकेंसी, जानदार वैकेंसी इसमें आई हुई है। इस वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हैं, सिर्फ और सिर्फ ITI पास स्टूडेंट ही इस फॉर्म को भरेंगे। डिप्लोमा पास वाले स्टूडेंट इस फॉर्म को नहीं भरेंगे, ये डिप्लोमा स्टूडेंट पॉलिटेक्निक पास स्टूडेंट के लिए नहीं है, अन्यथा आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, सबको जय हिंद।